नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचांग से राहु काल कैसे देखें। इसको आपको अच्छे से विस्तार से बताएंगे। जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, केवल आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेकर के एक बार लिख करके याद करना पड़ेगा। दरअसल राहु काल जो है उसको देखने के लिए पंचांग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, ना पंचांग से मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ वो आप देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिनको जरूरत है राहु काल देखने जानने की उनके पास शेयर करिए। देखिए, राहु काल देखने के लिए आपको बता दें कि पंचांग नहीं, दिन की आवश्यकता होती है। दिन मतलब जैसे सोमवार हो गया, रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, इस तरह से राहु काल देखना होता है। राहु काल अर्थात जैसे कि राहु देवता हैं, इनका कोई पर्सनल अपना एक दिन नहीं है, इनका कोई दिन नहीं निर्धारित है। जैसे सभी ग्रहों का एक एक दिन निर्धारित है, रवि का सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार, इसी प्रकार से सबका दिन निर्धारित है, परंतु राहु का कोई दिन नहीं निर्धारित है। जिसके कारण ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि राहु काल प्रत्येक दिन डेढ़ घंटा 1:30 डेढ़ घंटा एक दिन में रहा करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डेढ़ घंटा प्रत्येक दिन इनका निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक रहेंगे। अब राहु काल के समय मान लीजिए आज का राहु काल मान लेते हैं सही नहीं, ठीक है, मान लीजिए आज का डेढ़ घंटा राहु काल है सुबह नौ बजे से और 10:30 तक। ठीक है, 10:30 तक ये डेढ़ घंटा अपना हुआ, 9 से 1 घंटा 10 हो गया और आधा घंटा 10:30। डेढ़ घंटे के बीच में क्या नहीं करना है, राहु काल के बीच में मुख्य रूप से कोई भी नया कार्य नहीं शुरू किया जाता। जैसे कहीं आपको यात्रा करना है, घर में प्रवेश करना है, कोई पूजा पाठ करवाना है, इत्यादि कार्य राहु काल, जैसे कि आपको बताया कि 9 बजे से शुरू हो रहा है आपका राहु काल आज का, 9 बजे से शुरू हो करके और 10:30 तक है, तो आप 9 से पहले यानी कि 8:59 पर कर सकते हैं, 8:59 से शुरू कर सकते हैं, 9 ना बजने पाए। ठीक है, उसके अलावा आप 8:30 से कर सकते हैं, 10:30 के बाद 10:30 बीत जाए उसके बाद कर सकते हैं आप 10:30 के बाद, मतलब कि 11 बजे से कर सकते हैं, 10:35 पर कर सकते हैं, 10:35 से कर सकते हैं। ठीक है, बस राहु काल में कोई नया कार्य न शुरू करें। तो चलिए अब आपको प्रत्येक दिन का राहु काल देखना बताता हूँ। सबसे पहले सूर्य भगवान के लिए जो दिन निर्धारित है रविवार, ठीक है, रविवार को राहु काल कितने बजे तक रहता है, तो शाम को 5 बजे से डेढ़ घंटा जोड़ लीजिए, शाम को 5 बजे से 6:30 तक राहु काल रविवार को रहता है। सोमवार जो कि चंद्रमा के लिए निर्धारित दिन है, सोमवार को बात करें तो सोमवार को सुबह में 7:30 से, इसको आप लिखते जाएं, यदि आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, 7:30 से आप डेढ़ घंटा इसमें जोड़ दीजिए, 9 बज जाएंगे। ठीक है, सुबह के 9 बजे तक राहु काल सोमवार को रहता है। ठीक है, ये आप सोमवार और रविवार का लिख लिए। इसके बाद बात करें मंगलवार, जो कि मंगल देवता के लिए निर्धारित दिन है, मंगल ग्रह के लिए, ठीक है, मंगलवार को जो राहु काल रहता है वो दोपहर में 3:30 से डेढ़ घंटा आगे जोड़ दीजिए, ये आपको बच जाएगा शाम को 5 बजे तक राहु काल मंगलवार को रहता है। ठीक है, मंगलवार के बाद बात करें बुधवार की, बुध जो कि बुध ग्रह के लिए यह दिन निर्धारित है, ठीक है, बुधवार को राहु काल की बात करें तो ये दोपहर में 12:30 से शुरू होता है और आगे आप डेढ़ घंटा जोड़ दीजिए, अर्थात 2 बजे तक राहु काल रहता है। ठीक है, कब, बुधवार को, इन दोनों को भी आप लिख लीजिए, सोमवार हो गया, रविवार, मंगलवार और बुधवार, 4 हो गए। इसके बाद गुरुवार की बात करें, गुरु जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए यह दिन निर्धारित है, गुरुवार को दोपहर में 2 बजे से राहु काल शुरू हो करके और 3:30 तक रहता है, 3:30 तक। ठीक है, इसके बाद गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है जो कि शुक्र ग्रह के लिए निर्धारित दिन है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को ये अपना दिन में 11 बजे से शुरू हो करके 11 बजे से डेढ़ घंटा आगे जोड़ देंगे
तो 12:30 तक राहु काल रहता है, ठीक है। और अंतिम में बचता है शनिवार, अंतिम में शनिवार, शनिवार को राहु काल जो रहता है वो दिन में 9 से शुरू हो जाता है, आगे आप 1.5 यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10:30 तक, ठीक है, 10:30 तक। तो आप इसे भी लिख लीजिए। अब देखिए मैंने आपको क्रम से बता दिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यदि आप इसे कॉपी में लिखेंगे नहीं, केवल वीडियो देख लेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप जीवन में कभी राहु काल नहीं याद कर पाएंगे कि राहु काल कितने बजे तक रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे।